अंजन सुत बंधन करे महावीर बजरंग करी सहा रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग रहे हमेशा संग राम की करी सहाई सीता की सुदिलई फेर गढ़ लंक जराई। आदड़ी पस श्रोतागढ़ ये कहानी जो हम लेके चल रहे हैं एक दूसरे से इंसान कैसे किस तरह से जलन मानता है और एक दूसरे से जलने वालों का भला क्या हाल होता है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। ये आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा शिवम स्टूडियो अबागढ़ के प्रबल सौजन से। तो एक गरीब की कथा सुनो मैं इसलिए समझाता हूं और क्या होती गति जलने बालन की साफ साफ समझाता हूं। होती जलने बालन की साफ साफ समझाता हूँ। पानी कैसे हो जाती है वो सबके लिए बताएंगे अजय कुमार समो करी वाले सबको भी समझाएंगे। ये कहानी तुम्हें बताता हूँ जो बाबा जी से पाई है कमरा में बैठी अजय साक्षी खुदाई कलम चलाई है। ये कहानी जो हमें मिली है हमारे परम पूजनीय बाबा श्री रामकृष्ण जो हमारे बाबा श्री हैं उनके द्वारा हमें जो ये कहानी मिली है वो हम आप लोगों के बीच में दर्शाने के लिए जा रहे हैं। शिवम जलन वालन के लिए एक दूसरे से जो ईर्ष्या रखता है उनका बाद में हाल क्या होता है वो भला देखें। और इंसान आज हम देख रहे हैं अधिकांश अपने दुख से दुख नहीं है लेकिन दूसरे सुख से बड़ा दुखी है यही तो परेशानी है और घर घर की बात है। आओ देखें एक जो गरीब रहता था अब वो गरीब जिसके घर में सुबह के लिए अगर भोजन है तो शाम के लिए भोजन की कोई प्राप्ति नहीं है। एक दिन बारिश जब होने लगी है तो वो लकड़ियां काट काट करके लला नीले से गुजर चला था तो लेकिन बाद में जो बारिश पड़ गई बारिश के खातिर वो कहीं नहीं जा पाया। एक दिवस एक समय बरसा भई अति जोर कैसो है अंधोर। हमें क्या लग रही है आज हमारे बालक संजा को भूखे रहेंगे। तो लेके कुलाड़ी आतन में आगे किसी मत दबाई कुल्हाड़ी हाथ में आ गई थी मदलाई
कभी चले आए रे नहीं परसा बन्ना भाई भाई हर की ऐसी लीला बनी समझ का भूले नहीं पाई भागत भव एक बन में आओ। अब बन में तो बेचारो जासो आओ किसी तरह से अगर ये बरसा बंद हो जाए तो लकड़ियां काट के और हम अपने बच्चन के दाए इन्हें बेच के राशन लेके जाए ताकि हमारे बच्चन की जीविका चले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो बा बरसा की जोर से बा बचबो चाहतो हतो रावल बच्चे वो चाहता तो सुबान का देखो बड़ी दूर से एक झोपड़ी पड़ी जंगल में खड़ी न देर लगाई और गो झोपड़ी के बीच में देखो पर तुरंत बदलाई झोपड़ी के बीच में देखो एक झोपड़िया और गाओ पास में आई न देर लगाई घुसो जब आई घुसो जब भाई झोपड़ी के अंदर एक बाबा जी ने आए बेटा को कही सुनाई वो बाबा जो हटे झोपड़िया के अंदर बाबा बढ़िया बने जंगल में देखी सुबह लिकड़ा हर जो है तो नीले सुबह धीमे ही धीमे बरसा की खातर से बम और बाई में घुस गो काय में झोंपड़ी में और झोंपड़ी में जब पहुंच गए है तो बा महात्मा एक मिले और महात्मा ने कही कर लला जा बारिश में उत्तम मतलब घर से कैसे तो जवाब दिया है बाबा आखिन भरी लो नीर कुमर ने रोई की कही थी कहानी महात्मा की जब बात सुनी है तो रोकर के वो लड़का कहने लगा बाबा लगा बाबा
जवाब दिया है दुख भरी कहानी को उसकी लकड़हारे की जब लला सुनी राहुल, और जब कहानी उनकी सुनी है तो वो बाबा ने अपनी जोहरी में से शिवम एक मतलब पथरिया जो आती है जादू मंत्र भाई उन्हें कार्य के दे दी और जवाब दे अब ऐसो करो जागर बागर घूमे कि तुम्हें अब काऊ की जरूरत ना है और ना लकड़ियां काटो, जब पथरिया को ले जाओ और गैया के जो गोबर से लीप के और तुम जो मांगोगे सोई तुम्हारे घर में प्राप्त होगा। लेकिन लला एक मुसीबत है शिवम। कौन सी? अगर तुम्हारे घर में एक चीज हुई और लेकिन पड़ोसन के घर में दो ही हो जाए। अगर तुम्हारे घर में तुमने अगर एक मन नाज मांगो तो पड़ोसी के घर में दो ही मन हो जाएंगे। लेकिन बाद की तपस्या करी हमने दुख की कहानी सुनाई हमने और पड़ोसी वैसी फौज में, तो कहते कहा है कि फौजी फौज में और पड़ोसी सो ऐसो भाव उनने पथरिया लेके बाबा जी से सीधे घरे आए। अगर उनने मांगा कुछ सुनाई और अपनी पत्नी से अपनी पत्नी से आए के कहीं सुनाई कह रहे इतने आओ और एक काम करो। कौन सो काम कैसो काम बोलो तो मालूम ने आज हम लकड़ियां काटवे गए थे एक महात्मा ने को पथरिया दई का दई राहुल पथरिया और जब पथरिया में इतनी बड़ी तासी रहेगा लीप के और मतलब कछु मांगो सो तुम्हारे घर में हुए। लेकिन एक मुसीबत है तुम्हारे घर में एक चीज तो पड़ोसी के घर में दो ही चीजें। पत्नी बोली जे समझ में नहीं आई तुम एक चीज और पड़ोसी के घर में दो चीज। बोली हाँ जाए तो मुसीबत है लेकिन लकड़हारा बोलो अब हम लकड़ियां नहीं काटेंगे अब हम ऐसा करेंगे हम नौकरी के लिए जा रहे हैं और तुम मांगी हो कछु मत। सो पथरिया वो उठाए कर बक्सा में रखवाए दे और बक्सा में जब पथरिया रखवाई अबे नौकरी के लाइन चले गए दो तीन महीना को राशन धर के बाबूजी अबे चले तो हाथ जोड़ी पतिनी कहे अरे मेरे सैया पत्नी बोली
पत्नी जो हती दो तीन महीना को राशन धरे के नीले होबे तो नौकरी के लिए तैयार हो तो वो पत्नी जो हती लला समझा के बोली महाराज जात तो लेकिन ध्यान रखियो महीना तीन राशन रखो यारे मेरे तैया सुनियो मेरी बात समझा कि सीरी से एक बात कही तुम जाते हो तो चले जाओ लेकिन हमें ताको कुछ फर्क ना है लेकिन समय से आ जाइयो तीन महीने ही को राशन रखो है जाते दिन को है नहीं हमें ये हुए कहूं नहीं जाए और जब जे बात सुनी सो बे जो लकड़ा हारे हते वे नौकरी कितना लला हाँ जब वे नौकरी में जाए के लगे हैं तो एक दिन आए तो बीत गए महाचारी न करे विचार न चिंता मन में और राशन होएगा खत्म रे इतना रे सोच रही मन में महीना जब चार बीत गए हैं उनके पास कछु नहीं है बामे के धुना है महीना तीन महीना को राशन धर के गए और महीना कितने हो गए चार अब एक महीना को राशन कहां से आए अब फिर नौकरी में मस्त है सोच रही घर नारी ककर बिचारी सोच दिल भारी महीना की कह गई तीन पिया हजारी महीना की कह गई तीन बलब हजारी रुपया हजारी कंठ हजारी विचार कर रही है एक महीना ज्यादा होगा वहीं तक लौट के नहीं आए हैं तो मन में सोच रही नारी हर हम भूल गए विचार कर रही है सोच रही है कैसे धरती गुजर चले कैसे घर में गुजर चले बिन प्रीतम के नहीं दी I'm not afraid of the dark.
रही है, बाबूजी विचार कर रही है। कहे महीना की तीन है विचार आता है, फप फप के रोने लगी है, बिना पति के हमारा कैसे गुजारा होगा। अब तीन महीना की कहने के बाद में महीना एक बीत गया है और भाई नहीं आए हैं, जाघर बाघर जब जाने लगी है, भिक्षा मांगन के लिए दौड़ी है वो, तो पति की आस में लाचार भई मगन को दुखिया चल दीनी, और महीना एक बीत भया दुखिया रोई रोई पे भई। जब तक जीवन मेरी बहना भी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी, हितू रिश्तेदारी के सब हितू रिश्तेदारी के सब लाचारी में सब भूल गए, जल्दी आएंगे पति मेरे महीना तीन गए। कहने लगी है घर घर जाकर के, बहन हमें कुछ ना कुछ तो दे दो, हमारे पति महीना तीन की कह के गए लेकिन चार महीना हो गए। बहन हमारे पति आते होंगे, चिंता न करो, लेकिन किसी ने जब कुछ नहीं दिया है लेकिन भाई अंत में नीले से ध्यान काय को आओ पथरिया को, हमारे पति एक बाबा जी से पथरिया लाए थे, तो सोच समझ के नारे में नहीं पलकी करी अबार, देखी बकसा के बीच में फिर पथरी लई निकाल, पथरिया जो रहे लला नीले सोई निकाल लई, उन्हें की अब गुजारो चले गुण करके प्रेम भरी बातें हमें छोड़ गए भरतार, लीप की गैया के गोबर से तब ठाड़ी है गई नार, गैया के गोबर से लीप के और पथरिया से बोली गोरी बहन, है बाबा की सच्ची पथरी रे मेरे काम के दिए बनाई, अगर हमारे बाबा की अगर सच्ची पथरिया है तो हमारे काम करते हैं, बोली तो आया थे कि मेरे घर को दिए मंगाई,
जाए, कोई दिल की दशावा पथरी की नारी हंसाई है, सोई दिल की दशावा पथरी की नारी हंसाई है, सोई दिल की दशावा के घर में आटो जब आओ है तो बड़ी खुशी भई है कि मैं पति आया नया तास हमें कोई अब मतलब ना है। सो धीरे धीरे बानी जितने मिर्च मसाले हते सो बाप पतरिया पे मंगा ले नीलेश, लेकिन उनके घर में दो बोरी तो पड़ोसी के घर में चार दूनी। अब जब बारिश को समय आओ है तो विचार करने लगी, सोचने लगी थी बारिश को महीना है रो छप्पर ऊंचे चा तो है, तो हाथ जोड़ के और वो समझा के बोली, अब ना छिपाऊंगी पथरिया से बोली वो ओ भाई औरत, अब ना छिपाऊंगी तुमको बताऊंगी बरसात का आया महीना तुम्हें समझाऊंगी, बन जाए तुम मकान फौरन बतलाई, बन जाए एक मंजिल। अब उनको दो मंजिल बनो और उनके चार चार मंजिल पड़ोसने गए, तब तक लला हो तक तक ही बात धीमी धीमी जब समय भो सो बेरा है ना माधु शंकर बेजो हते सो नो करी से लला चली पड़े। चले नौकरी से जब देखे नजर पसार हाथी जो पड़िया किस जगह कहाँ गई महाराज,
सीधा जगह पे झोपड़ी हती। फिर बावरे से तभी तब नारी मिले थे चाले, देखी गति जब पति ने तब मन में भय हैरान, बेहरान जा सुवाए कह भला हम मने कर गए चलो घर बन गाओ, लेकिन ठीक बन गाओ, लेकिन ये पड़ोसी जो है वे हम सब बड़े रही सो भाई जलन है ना, तब हतो और विचार कर लगो किस तरह से ने पड़ोसियन को ना सोए जलन इससे आप पैदा जब करिए तो दिल में विचार करने लगा है वो पति को अर्ज सुनाई है और महीना कई कि तुम तीन गए फिर मेरी खबर कछु नाई है। पड़ोसी हम सब बड़े रही सोए गए कैसे इनको ना सोए नीले जलन है। और आजू इंसान को देखें और इंसान ऐसे भकिया तो है जैसे मतलब देखो तो कुत्ते नहीं दशा होते खाए उस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो लड़का मन में विचार कर रहा है तो खड़ो द्वारे पे बाके दिलमी उठन माला लगी, रहिस बड़े बनी गए ये सबरे, रहिस बनी फिरी रहे ये सबरे, पथरी सुनो मेरी बात नीले से अंत में बा लड़का ने पथरी जो निकारी सो बान जी कही के हमारे आंगन में कुआ खोद जाए, कितने कुआ एक, अब रावल न के घर में एक कुआ और पड़ोसी न के दिमाग को तो अच्छा चलाओ, और जब पड़ोसी के घर में दुई दुई कुआ खोदन लगे शिवम लेकिन बहु का अरे होना क्या था। थोड़ी देर के बाद वाला लड़का ने एक बात और कही, अरे सच्ची बाबा की पथरी है तो सुन ले अरज हमारी, तो सिर्फ पहले ही खोदी गए थे उनके घर में तो भी सच्ची बाबा की पथरी है तो सुनी है अरज हमारी, मेरी बार बार कभी नदी फूटे केवल आगे हमारी, दिमाग बड़ो चलावान जवाब दो अगर तू बाबा सच्ची पथरिया तो मैं एक आदमी फूट जाए, अब बाकी तो एक फूटी लेकिन पड़ोस ने की दोनों बाजार बंद। महाराज के बाले कर डालो अंधेर, फूटी या की पड़ोस ने की गए हुआ न
ईमान में लोग ये सोचते हैं कि भीत हमारी गिर पड़े लेकिन पड़ोसी की महजिया मत जाए, बात से कोई फर्क नहीं है। लेकिन बाने कितनो दिमाग चलाओ, हमारे घर में एक कुआ खुद है, पड़ोसी के घर में दो ही चुक धूनी तो होनी होनी है। और लास्ट में बोले कि अगर सच्ची पथरी अगर बाबा की है तो मैं एक आग फूट जाए। अब बिन की एक फूटी और उनकी पड़ोसन की दोनों सुबह सवरे आके अंधे हुए और दो दो कुआ आंगन के बीच में सुबह सब कुआ में गिरते जाए। अंत में कि एक आंखें से गुजर करी और की बन रहो हमारे।